नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य बीएनएस गुड फार्म से। दोस्तों, बकरे का डीवार्मिंग कब करें? ये बहुत सारे क्वेश्चंस और सवाल आ रहे हैं कि बकरे का डीवार्मिंग सुबह करें, बकरे का डीवार्मिंग शाम को करें, बकरे का डीवार्मिंग रात को करें, कब करें, सही टाइम सही तरीका क्या है। तो आज जानेंगे बकरे का डीवार्मिंग, बकरी का या उसके बच्चे का डीवार्मिंग का सही टाइम समय तरीका। देखिए, अभी जैसे शाम का टाइम है और बकरियों को चारा डाल दिया गया है, छोटे बड़े जो है कि सब जो है कि सूखा चारा खा रहे हैं। और देखिए, इनको डाला गया है आज ये चने का भूसा, ये चने का भूसा है और डाल दिया गया है, बड़े ही आराम से सब खा रही हैं। तो अब बात करते हैं कि बकरे बकरी का डिवार्मिंग कब करें। देखिए, कोई कहता है कि सुबह करें, कोई कहता है शाम को करें, कोई कहता है रात को करें, और कोई कहता है खाली पेट करें। तो देखिए, उसमें सही क्या है इस चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि सही सुबह करें वो सही है, रात को करें वो भी सही है, शाम को करें वो भी सही है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। अगर आप उस तरीके से करते हैं तो कोई भी समय आप करें सब सही है। जैसे वो तरीका देखिए, जैसे कि ये बकरा है, अगर इसका हमें डिवार्मिंग करना है, इस बकरे का अगर डिवार्मिंग करना है, अभी तो चारा खा रहा है, अगर अभी डिवार्मिंग करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। बकरे बकरी या मेमने यानी उनके बच्चों का डिवार्मिंग अगर करना है तो आपको खाली पेट करना है। खाली पेट, जैसे कि मैं अक्सर अपने वीडियो में बताते रहता हूँ आपको क्या कैसे करना है, और कुछ वीडियोस में भी हमने बताया है, और वीडियो हमारे चैनल पर है, आप जाकर के वहाँ भी देख सकते हैं। जैसे अगर इसका सुबह करना है, अगर सुबह में करना है तो बकरे को जब अपने बाड़े से बाहर निकालें, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है और बकरे बकरिया तो रात को यहीं पर रहते हैं, इसी खुले में रहते हैं, और सुबह इनका सबसे पहले मैं डिवार्मिंग कर देता हूँ, डिवार्मिंग करने के बाद साफ सफाई करता हूँ, मुझे एक दो घंटा लगता है पूरा सेटिंग करने में, सफाई करने में, उसके बाद मैं इनको चारा देता हूँ। तो ये भी तरीका सही है। दूसरा, अब शाम को भी जैसे कि ये चारा खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो अभी तो नहीं कर सकते हैं, यानी खाना खाने के कम 2 से 3 घंटे के बाद, रात को 9-10 बजे अगर आप डिवार्मिंग करते हैं, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देते हैं, वो सही है। और ये कुछ भाई कहते हैं कि गुड़, वो भी बढ़िया है। डिवार्मिंग करने से पहले, जैसे कि सुबह करना है, डिवार्मिंग करने से आधा घंटा पहले आप उनको गुड़ खिला दो। गुड़ खिलाने से क्या होता है, जितने भी अंदर उसके वार में हैं जो कीड़े हैं ना, वो इकट्ठा हो जाते हैं। फिर उसके आधे घंटे के बाद जब आप दवाइयाँ पिलाते हो, उनको डिवार्मिंग करते हो, कीड़े की दवा देते हो, तो वो बहुत ही जल्द काम करता है। तो आप सुबह करें या शाम को करें, गुड़ खिलाने के आधा घंटा के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ये ध्यान देना है कि बकरे का पेट खाली होना चाहिए, यानी कि चारा खाने खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद ही आपको डिवार्मिंग करना है, और डिवार्मिंग करने के बाद 2 से 3 घंटे के बाद ही आपको चारा देना है। अब बकरी है, बकरा है, उसका बच्चा है, उम्र से का कोई मतलब नहीं है, चाहे जितना भी उम्र का हो। और जैसे मैंने कहा, उम्र बकरी के बच्चे पर ध्यान देना पड़ता है, 10 से 12 दिन का हो जाए तो आप उसका डिवार्मिंग कर सकते हैं। बाकी तो गाभिन का कैसे करना है, खाली का कैसे करना है, चैनल्स पे वीडियो है, आप जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, शायद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। सुबह करें, दोपहर करें, शाम करें, रात में करें, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका हमने बताया वही तरीका जो है कि सही है। छोटा सा जानकारी था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।